खाना बदोश, मौत के मुंह में सोने को मजबूर। उत्तराखंड सरकार ने राहगीर सड़क पर रहने वाले लोगों के लिए लाख प्रयास क्यों न करे हो, रैन बसेरे की व्यवस्था क्यों न की हो, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी लोगों को रैन बसेरा तक पहुंचने में असमर्थ दिखाई दे रही है। लोगों को मजबूरन सड़क किनारे सोना पड़ रहा है। अधिकारियों की लापरवाही की वजह से काशीपुर की स्थिति दयनीय बनी हुई है। ना जाने कितने लोग सड़क किनारे सोने से हादसे का शिकार भी हो चुके हैं। आपको बता दें कि काशीपुर के मुख्य चौराहे पर फ्लाईओवर का निर्माण कार्य हो रहा है। कुछ लोग इस फ्लाईओवर के नीचे सोने के लिए मजबूर हैं। बेबसी, लाचार, मजबूरी का आलम लोगों को इस मौत के मुंह में सोने के लिए मजबूर कर रहा है। प्रशासनिक मशीनरी सिर्फ दफ्तरों में बैठकर सरकारी योजनाओं का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ते दिखाई दे रहे हैं। आखिर देखने वाली बात ये होगी कि ऐसे अधिकारी अपनी जिम्मेदारी कब समझेंगे। नवभारत समाचार काशीपुर से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। परेशानी यही है, कुछ मिल नहीं, खाने का ना पीने के, बता कहाँ सो रहे हो? बच्चे बता, भूखे बता, खाना पीना कुछ, रोड पे सो रहे हैं, फाटक पे, रोड के किनारे। अब कुछ है नहीं बनाने के लिए, घर ना मकान ना जमीन ना कुछ है नहीं। अब ट्रेन तो आ सकती है, मगर कहाँ सोया हम? कोई तो सोने देता नहीं अपनी दुकान के पास, ती है, मगर क्या करें, जिधर जाओ उधर खतरा पड़ जाता है। बता ऐसी फुटपाट पड़ी है, अच्छा मौत है, चाहे मर जाए चाहे जी जाए, कुछ भी अब क्या करें, सरकार के हाथ है। बता सरकार कुछ जमीन नहीं दे रहा, ना जगह दे रहा है, ना पैसा दे रहा है। यहाँ हम सोए हैं, बता हमारा जानू खतरा है, बता हम क्या करें, कहाँ सोए कहाँ जाए। ऐसे तो चार आदमी मर भी चुके हैं, कट चुके हैं, मर चुके हैं यहीं पे, क्या करें। अगर हम ही लोग थोड़ा किनारे जगह मिला है तो सो रखे, दुख दर्द हम ही झेल रहे। बताओ हमारे सामने बच्चे, हम ही देख रहे हैं, हम ही ताकत, कोई सरकार ही देख रहे थोड़ी दी आते। ऐसे बाकी कुछ चले जाएगा, ट्रेन गाड़ियों को मर जाए, खतरा भी है। बताओ कोई कहाँ क्या करे, भरोसा है, कट जाए जब मर जाए, जब ट्रेन आएगा कहीं, जब गाड़ी भी आ सकता है, हर वक्त ट्रेन आती जाती रहती है। ऐसे आदमी चार पाँच आदमी कम चलती है, और क्या नहीं। लॉकडाउन है, बाप वहाँ माँ या कुछ कमाई हो ही नहीं रही, तो भूख के मारे मरेगा। अब कोई ना फोन जो कर, ना कोई जाने दे रहा है, ना बस में ना ट्रेन में, कोई चार दिन पता नहीं, आधार कार्ड रखो तो जब जाके फोन होता है, हमारे पास तो कुछ है भी नहीं।